नाथनगर में एक के बाद एक बम विस्फोट की वारदात से पूरा इलाका थर्रा रहा है। आज भी नाथनगर थाना क्षेत्र के मखदुमसा दरगाह के पास बम विस्फोट से एक बच्चा बुरी तरह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में परिजनों ने बच्चे को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटनास्थल से दो बम भी बरामद हुए हैं। सूचना पर पुलिस आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। मृत बच्चे की पहचान अमृत कुमार दास के रूप में हुई है। आपको बता दें, पिछले 5 दिनों में नाथनगर इलाके में यह तीसरी बम विस्फोट की घटना है। घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और वहां से 3 अन्य टिफिन बम भी बरामद किए। दूसरी ओर मामले की जानकारी पर भागलपुर के सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात व एएसपी सिटी शुभम आर्य घटनास्थल पर पहुंचे। आपको बता दें, मखदुमसा दरगाह घाट के पास कूड़े में रखा टिफिन बम नीले रंग की टेप से पैक किया हुआ था। मिली जानकारी के मुताबिक वहां पर 3 बच्चे खेल रहे थे, जिसमें वहां से 2 बच्चे थोड़ी देर बाद चले गए। अमृत वहीं रह गया। अमृत ने जैसे ही टिफिन को खोला तो जबरदस्त ब्लास्ट हो गया। वहीं एक के बाद एक हो रहे बम विस्फोट की घटना के बाद आसपास के लोग डरे सहमे हुए हैं। वहीं डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचकर घटनास्थल की जांच पड़ताल की। देर शाम करीब 7 बजे बम स्क्वाड टीम घटनास्थल पहुंची और करीब 1 घंटे बाद वहां पड़े अनटिफिन बम को डिफ्यूज कर दिया गया। आपको बता दें, बीते 9 दिसंबर गुरुवार को रेलवे स्टेशन के समीप झाड़ी में, वहीं 11 दिसंबर को शनिवार को नाथनगर थाना क्षेत्र की मोमिनटेला में, तो वहीं आज 13 दिसंबर को नाथनगर थाना क्षेत्र की मखदुमसा दरगाह घाट में बम विस्फोट हुआ है। सर, लगातार नाथनगर में ब्लास्ट हो रहा है, 6 दिन के अंदर में 3 ब्लास्ट हो चुके हैं सर, क्या पूरा मामला क्या लगता है, छानबीन में अभी तक क्या पता चला? आज एक घटना हुई है, 4 दिन पहले भी एक घटना हुई थी और हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स हैं आया है, और उसके लिए हम लोग बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की मदद ले रहे हैं। बॉम्ब यूनिट को भी बुलाया जा रहा है और जो भी अनुसंधान में निकल कर आएगा हम उसकी जानकारी आपको देंगे। क्या लगता है सर, इस तरह से लगातार झाड़ियों में बम मिलना है, किस कहीं दहशत फैलाने के मकसद से तो ये नहीं किया जाए? जहाँ से ये एक्सप्लोसिव मटेरियल्स बरामद हुए हैं, जैसा लग रहा है ये झाड़ी और वहाँ कूड़ादान है, वहाँ पे काफ़ी सारा कूड़ा कचरा फेंका जाता है, वहाँ से बरामद हुआ है, तो ये ऐसा मामला नहीं लग रहा है कि दहशत फैलाने की का ऐसा कोई मकसद है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जो अपराधी पहले इस तरह के केसेज में जेल गए हैं, उनमें से कुछ ही हाल में बेल पे छूटे हैं। हम लोग की कोशिश है कि वो फिर से उनका बेल कैंसिलेशन का प्रस्ताव भेजे और उनको फिर से वापस जेल भेजे। ये यहाँ नदी के किनारे, दरगाह घाट नदी के किनारे टिफिन में 2-3 बम के तरह टिफिन रखा हुआ था, जो ऊपर से जो है प्लास्टिक बंधा हुआ था। बच्चा जो है टिफिन लेने के लालच में वह खोला और वही जो है विस्फोट हो गया। घायल कितना है? बच्चे का माथा जो है वह जो है उससे खून बह रहा था, उसको लेकर के हॉस्पिटल के। अभी कितना बम दिख रहा है यहाँ पे? लगता है कि 2 और बम जिंदा के तरह, 2 टिफिन लग रहा है। पुलिस पहुंची हुई है? जी, नाथनगर प्रशासन पहुंची हुई है।